हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम आपको ब्लाउज की स्टिचिंग बताएंगे सिंपल टक्स पर। तो इस तरीके से पहले हमने यहाँ पर लिया है अस्तर और मेन फैब्रिक जो कटिंग हमने अपलोड कर रखी है, और निशान कैसे लगाएं ये भी अपलोड है। तो इसका बैक पार्ट का डिज़ाइन देखने के लिए आप हमारे वीडियो पर जाएँ। तो यहाँ पर देखिए, हम इस तरीके से पहले किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर अस्तर के कपड़े पर ही कटिंग की गई है, और ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है ये हमारा साइड से एक्स्ट्रा है हर जगह से, ताकि हमारा यदि कहीं से कम ज़्यादा होता है तो इसे हमें कट करके निकाल देना होता है। अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर नेट की फैब्रिक का, इसे हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर रहे हैं, चारों तरफ की कटिंग इसी तरीके से कर देनी है। इसके बाद अब हम प्लेटों का किस तरीके से दबाएंगे। तो हमेशा ब्लाउज में परफेक्ट फिटिंग के लिए हमारे प्लेट्स के निशान लगाना और उनकी स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किस तरीके से कपड़े को दबाना और कितना सिलना है। ऊपर बारीकी से निकालना चाहिए और थ्रेड को लंबा रखना चाहिए, इससे हमारा जो प्लेट होती है वो खुलती नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमने इसकी स्टिचिंग कर दी, और सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी है। इसे भी देखिए, सीधी लाइन को पकड़ना है और जो हमारी तिरछी लाइन गई हुई है तो सीधा जाके तिरछा इस तरीके से करते हुए स्टिच कर देना है। देखिए नीचे किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, इसी तरीके से थोड़ा सा लंबा थ्रेड रखिए कम से कम 2 इंची का, तो यहाँ पर आपका जो सिलाई है वो खुलेगा नहीं, ब्लॉक हो जाएगा। अब देखिए साइड की प्लेट को, ये लगभग 0.25 इंच यानी कि आधी इंच की प्लेट हो जाएगी। इसे पहले चौड़ा और फिर धीरे 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 बारीक करते हुए इसे जितनी भी लंबी प्लेट होती है उस तरीके से सिलना होता है। प्लेट को हमेशा पीछे से चौड़ा और आगे पतला होते जाना चाहिए, तभी ये जाके अच्छी तरीके से पफ को बनाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी स्टिचिंग करनी है। देखिए इसे भी हमें सीधी लाइन को पकड़ते हुए एक लाइन पर हमें सिलाई करनी है। तो देखिए किस तरीके से आगे जाते हुए हमने पतली कर दी है और धागे को लंबा छोड़ा है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड का भी बनाना है, और बीच वाला जो बनाएंगे तो देखिए दोनों साइड के किनारों को किस तरीके से पकड़ना है, और ध्यान रखिए कि हमारा मेन फैब्रिक भी नीचे से पकड़ में आए। और यहाँ पर देखिए किनारे से पतला, फिर बीच में थोड़ा सा चौड़ाई लेते हुए, फिर पतला होते हुए जिस शेप में है उसी शेप में हमें इसकी सिलाई करनी है, और थ्रेड को ज़रूर लंबा रखिए। अब यहाँ पर हमने देखिए दूसरे साइड की भी इसी तरीके से प्लेट को सिल दिया है। अब यहाँ पर बीच से हमें कट कर देना है। तो यहाँ पर इसकी कटिंग हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए बराबर से मिलाते हुए और प्लेट को भी अच्छी तरीके से दबाने के बाद ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कट कर रहे हैं। यहाँ पर हम थोड़ा आराम से दिखा रहे हैं, तो यदि आप लोगों को आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो ध्यान से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। इसे जूम करके भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी जो मेन पट्टी है, बटन की पट्टी या हुक की पट्टी जैसे लगानी हो तो उसे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लगभग 2 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम 2 पीस कर रहे हैं, पट्टी हमने लंबी ली है, और यहाँ पर जितना लंबा लगाना है उससे हमें लंबा रखना होगा, और एक्स्ट्रा पार्ट जो होगा तो कट करके निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारी पट्टी जो है ये हुक वाली पट्टी लगेगी, तो ये अंदर की ओर फोल्ड होकर चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से करते हुए हमने नीचे वाली फैब्रिक के साथ इसको बराबर से करते हुए लगभग 1 पाँव से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए दबा दिया इस तरीके से। देखिए अब हमें यहाँ ऊपर भी एक सिलाई स्टिच टॉप स्टिच मारनी ज़रूरी है, इससे हमारा जो है उधड़ने की प्रॉब्लम नहीं होगी और कपड़े की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर हमने इसे भी दबाकर सिल दिया है। अब देखिए हमने दोबारा से किस तरीके से फोल्ड किया है इसके बराबर में लाते हुए, और फिर से यहाँ पर स्टिच मार देंगे इस तरीके से फोल्ड करके। तो देखिए हमने एक बार फोल्ड किया, फिर से फोल्ड करके इसको अंदर कर दिया है। अब यहाँ पे आप तुरपाई कर सकते हैं या स्टिचिंग भी कर सकते हैं कच्ची सिलाई। तो हम यहाँ पर स्टिचिंग मार रहे हैं। तो देखिए पहले हमने साइड पर सिलाई मार दी है, और इसके बाद अब हम इसे पलट देंगे। तो ये देखिए साइड की सिलाई मारने के बाद अब हम इसे अंदर की ओर इस तरीके से पलट रहे हैं। तो यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए ऊपर गले के पास
जिस शेप में गला है उसी शेप में करते हुए पट्टी को जोड़ देंगे ऊपर की ओर, और नीचे की साइड भी सिलाई चला देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे। तो ये देखिए हमने चला दी और यहाँ पे रुपाई करनी है और नीचे की साइड में भी हमें यहाँ पे सिलाई चला देनी है। इसके बाद देखिए अब हम दूसरी वाली साइड का लिया है जिसमें हमारी आई बनेगी, जिसमें कि हुक को फंसाया जाता है। तो उसके लिए देखिए फिर से हमने इस तरीके से लिया है कपड़े को और इसे अब आप ऊपर से चाहे नीचे से जिस तरह से लगाना चाहें। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से इसको रख रहे हैं बराबर में और इसके बाद इसको भी किनारे से हमें सिलाई को चलाना है। तो ये देखिए हमने दोनों कपड़ों को बराबर में रख लिया, पट्टी वाले भी कपड़े को और उसको। कम से कम पट्टी की चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 इंच होनी चाहिए और एक्स्ट्रा यदि कपड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसे कट करके आप निकाल सकते हैं, कम नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरा हमने सिल लिया। सिलने के बाद अब हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद अब हमें इसे किस तरीके से फोल्ड करना है तो उसे देखिए। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बराबर से लगभग 1/2 इंच फोल्ड किया, फिर से फोल्ड करके अब हम सिलाई वाले के ऊपर ही इसको रख रहे हैं। देखिए बराबर से यहाँ पर रख दिया उसको ढकते हुए और अब हम इस तरीके से करते हुए ऊपर की ओर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई को हमें किनारे किनारे लगाना है, ये देखिए कहाँ पे हम लगा रहे हैं उसी तरीके से। ध्यान से सिलाई को देखिए तो समझ में आ जाएगा, जिन्हें बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती है। तो इस तरीके से हमें बराबर से करते हुए कपड़े को एडजस्ट करते हुए हमें सिलाई करनी है और फिर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट करके निकाल देना है। यहाँ पर आप एक और सिलाई लगा दें, इससे अच्छी तरीके से ये दब जाता है और उधड़ने की दिक्कत नहीं होती है। और तो देखिए हमारी दोनों पट्टियाँ यहाँ पर तैयार हो गई हैं और इसके बाद अब हमें यहाँ पर गला तैयार करना है। तो गले का जो है पट्टी किस तरीके से लगेगा